हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे कि अगर स्टॉक मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में हो या स्टॉक मार्केट गिर रहा हो या स्टॉक मार्केट हो या कोई स्टॉक गिर रहा हो तो उस टाइम पे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो आज जो हम खास करके जानेंगे कि गिरते हुए मार्केट में, नेगेटिव मार्केट में या नेगेटिव जब स्टॉक गिर रहा हो कंटिन्यूसली, उस टाइम में हम पैसे कैसे बना सकते हैं, आज हम उसी पे पूरी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है और कितना अच्छा वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि नेगेटिव मार्केट में कैसे कमाया जा सकता है। और अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोज आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, जो टेक्निकल इंडिकेटर होती है, तो टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। टेक्निकल इंडिकेटर बेसिकली आपको बताता है, आपको एक व्यू दे देता है कि कल क्या हो सकता है या आने वाले वन वीक में क्या हो सकता है या आने वाले एक महीने के अंदर क्या मोमेंटम हो सकती है, राइट। हो सकता है कि वहां से वो पॉजिटिव जा सकता है, वहां से नेगेटिव जा सकता है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए खास करके, बहुत लंबे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काफी अच्छा वर्क करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ दो ही तरीका है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आप स्टॉक की आइडेंटिफाई करते हैं, उसका बैलेंस शीट रीड करते हैं, उसकी प्रॉफिट लॉस देखते हैं, एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, बैड लोन देखते हैं, प्रमोटर्स की इक्विटी देखते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मतलब फंडामेंटल अगर आप देख रहे हैं तो ए टू जेड उस कंपनी का आपको देखना पड़ेगा, और आप कितना बुलिश है उस सेक्टर को लेके, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, आने वाले 5 साल में वो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपको देख के देन उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप इसमें आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आप बुलिश हैं तो आपको सिर्फ बाय करके आप वेट कर सकते हैं 2 साल 5 साल 10 साल के, आने वाले टाइम में इतना ऊपर हो जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा। सो ये एक सिंपल तरीका है। फंडामेंटल में आप स्टॉक की पूरी एनालिसिस कीजिए, रियल एनालिसिस कीजिए, एक्यूरेट एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप उसको बाय करके छोड़ दीजिए, ये है फंडामेंटल। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो बेसिकली आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बाइंग का ऑप्शन देता है और आपको लंबे टाइम फ्रेम में भी आपको सजेस्ट करता है कि अभी आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अभी उसको बेच देना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वो भी इंडिकेट आपको करता है। तो अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर को थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं तो आप डेली स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर वो होता है वो छोटे टाइम के लिए बाय भी करता है, बाय मतलब अभी उसने खरीदा, और बुलिश भी होता है, मतलब वो चाहता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब वो वहां पे बुलिश है, स्टॉक मार्केट को बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे खरीदा ऊपर बेच रहा है। और सेम ट्रेडर अगर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो वो क्या करेगा, वहां से उसको बेच देगा पहले, और उसके बाद जब वो नीचे आएगा फिर वो नीचे खरीदेगा। तो वो जब नीचे होता है तो वो बाइंग के लिए देखता है, जब स्टॉक ऊपर होता है तो वो सेलिंग के लिए देखता है। तो वो दोनों साइड से अर्न कर सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी वो कमा सकता है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी कमा सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो सिर्फ वन वे कमा सकता है, एक वन टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया और वो छोड़ देता है उसको बढ़ने के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाय करके छोड़ दिया, सिर्फ लो पे खरीदता है और हाई पे बेचता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो जनरली लोग करते हैं कि बाय हमने किया स्टॉक और हमने छोड़ दिया, ये होता है इन्वेस्टर। और जो ट्रेडर होता है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी इन्वेस्टर होता है और लंबे और छोटे टाइम फ्रेम के लिए उसको बेच के भी चलता है। तो ट्रेडर दोनों साइड से कमाता है, जब मार्केट बढ़ती है तो भी कमाता है, जब मार्केट गिरती है तो भी कमाता है, लेकिन इन्वेस्टर सिर्फ वन वे कमाता है। तो इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबने जानते हैं, ऑलमोस्ट सब इसी बेसिस पे बाय या सेल करते हैं। आज मैं आपको ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं कि आप दोनों साइड से कैसे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आप, बहुत सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, जैसे कि एक मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाइट कैंडल। व्हाइट कैंडल मतलब जैसे ये एक कैंडल है,
व्हाइट कैंडल का मतलब है स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे है, एक बहुत एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक साल का लो पे है, दो साल या तीन साल के लो पे है, उसके बाद एक बाइंग आ रही है, एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आ रही है, तो कैंडल भी बड़ा बन रहा है, जैसे ये कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉक लो बॉटम पे टच किया, थोड़ा सा बड़ा फिर बॉटम पे टच किया, तो इसका मतलब लो पे चल रहा है, दो तीन चार महीने के लो पे चल रहा है। उसके बाद एक ग्रीन सिग्नल आया, एक बड़ा कैंडल बना, इसको बोलते हैं व्हाइट कैंडल, और उसके बाद वो कैंडल जब फॉर्म हुआ उसके बाद देखिए कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, राइट। उसके बाद ये तो हो गया कि जब मैं, मुझे लग रहा है कि अब यहां से पांच दिन के लिए या दस दिन के लिए, एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं वहां पे उसको बाय करूंगा, फिर उसके बाद मैं पांच या दस दिन, कुछ दिन जब तक देखता रहूंगा यह बढ़ रहा है तब तक मैं छोड़ दूंगा, और जब मुझे उसके अंदर सेलिंग का सिग्नल दिखेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको बेच के निकल जाऊंगा। तो अब क्या करते हैं, अगर मान के चलिए सेलिंग आ रहा है और कॉन्स्टेंटली सेलिंग है, तो मैं वहां पे कैसे पैसे बनाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आ रहा है तो आप फ्यूचर ऑप्शंस में या ऑप्शन में आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल राइट कर सकते हैं, या फिर पुट को बाय कर सकते हैं। पुट को अगर आप बाय करेंगे तो वहां पे भी आप मार्केट को, अगर मार्केट वहां से नीचे जाता है तो भी आप कमाएंगे, कॉल अगर आपने राइट किया है तो भी आप कमाएंगे, या फिर आप इंट्राडे में आपने अगर शॉर्ट किया है तो भी आप कमाएंगे। तो इंट्राडे में आपको अगर जब मार्केट नीचे जाता है तो उसमें आप तीन तरीके से कमा सकते हैं। पहला एक होता है कि आप इंट्राडे कमा सकते हैं, कि मतलब आपने सेम डे पहले आपने बेच दिया, फिर जब मार्केट नीचे आया तो अब आपने बाय कर लिया, तो उसको वो होता है प्योरली इंट्राडे, आपने पहले शॉर्ट किया फिर बाय कर लिया, ये एक वन ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो होता है, आप फ्यूचर में आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, फ्यूचर में आपने शॉर्ट कर दिया है, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, उसके बाद आपने वहां पे बाय किया, तो फ्यूचर में आपने बेनिफिट ले लिया, ये दूसरे तरीके से आपने इसमें अर्न कर लिया। फ्यूचर में क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है कि आप एक महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए कंटिन्यू आप उसको शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। एक महीने के लिए, तीन महीने के लिए अगर आपको लग रहा है कंटिन्यूअसली नीचे जाने वाला है तो इंट्राडे में तो एक दिन का सिर्फ ऑप्शन मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आपको तीन तीन महीने का ऑप्शन मिलता है, एक महीने, दो महीने, तीन महीने का मिलता है, तो फ्यूचर में आप तीन महीने के लिए शॉर्ट करके रह सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है ऑप्शन। ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कॉल राइट कर सकते हैं, कॉल आप सेल कर सकते हैं, तो वहां पे भी अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप कमा सकते हैं, और उसके बाद या तो फिर आप पुट को बाय कर सकते हैं, तो भी अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी आप कमा सकते हैं। यानी पुट में आपको दो ऑप्शन मिलता है, फ्यूचर में आपको एक ऑप्शन मिलता है, और इंट्राडे में सिर्फ एक दिन का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए जो मोस्टली जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर वो, बहुत ज्यादातर लोगों का लॉस हुआ है, क्योंकि वो उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि अगर उन्होंने शॉर्ट कर दिया है, आज अगर उन्होंने शॉर्ट कर दिया तो 3:15 बजे से पहले पहले या 3:30 बजे से पहले पहले उनको बाय करना ही पड़ेगा। अगर आज उन्होंने बाय कर लिया है तो उनको फिर 3:15 से पहले पहले सेल करना ही पड़ेगा। तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपको एक दिन की रिस्ट्रिक्शन होती है, कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन आता है, बहुत सारे कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फायदेमंद नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा पैसा बनाए स्टॉक मार्केट में, वो भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन या फिर फ्यूचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप अगर थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, अगर मार्केट आपको लगता है कि अब मंदी आने वाला है तो आप बेच के चलिए, फ्यूचर में शॉर्ट कीजिए, ऑप्शन में कॉल को राइट कीजिए, या पुट में कॉल को बाय कीजिए। तो तीन ऑप्शन है आपको मंदी के टाइम में, आप तीनों तरीके से अर्न कर सकते हैं, और इंट्राडे में आप शॉर्ट करके कमा सकते हैं, और बाइंग, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें आप इंट्राडे में भी कमा सकते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीवरी पे आप पोजीशन लेके रख सकते हैं उसमें कमा सकते हैं, फ्यूचर में भी कमा सकते हैं, ऑप्शन में भी कमा सकते हैं। फ्यूचर में आपको लॉन्ग बाय करना पड़ेगा, ऑप्शन में आपको कॉल बाय करनी पड़ेगी, और पुट आपको राइट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में डेली अर्न करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, जैसा आप अर्न करना चाहते हैं वैसा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और आप कितना ये स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। 100% एनालाइज तो नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन कितने परसेंट तक आपकी एक्यूरेसी है, 50% है या 60% या 70% है, उसके बेसिस पे आप अगर कितना परसेंट रिस्क लेते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए मार्केट
अभी दो दिन से देखिए मार्केट नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं एनगल्फिंग, ये जो पैटर्न बना तो इसको बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न, ये जो पैटर्न बना है एनगल्फिंग पैटर्न। मैं आपको बताता हूँ एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, कि मान के चलिए कोई ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मतलब तीसरे दिन जो थर्ड डे का जो कैंडल था, जो ग्रीन कैंडल है ये जो मेरे उंगली के ऊपर है ये वाली कैंडल, ये कैंडल जो थी ये पॉजिटिव था, मतलब जिस प्राइस में खुला उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब उस दिन मार्केट ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डे मार्केट खुला वो उसके ऊपर खुला। सपोज एक दिन मार्केट था 100 पे खुला और 110 पे क्लोज हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 115 पे मार्केट खुला, उसके दूसरे दिन 115 पे मार्केट खुला लेकिन क्लोज हुआ 100 से भी नीचे 95 पे, तो इसका मतलब जो 100 से उसने 110 तक की बढ़त बनाई थी और 115 के ऊपर जाके खुला, वो सारा का सारा नेगेटिव हो गया। मतलब 115 से पूरा नेगेटिव होते होते वो 95 तक आ गया, इसका मतलब ये जो पूरा जो भी इसका बाइंग था वो पूरा का पूरा उसको एंगल्फ कर गया, वो पूरा का पूरा उसको खा गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो हावी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो जब एग्रेसिवली अगर सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप उनके साथ गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर एक साथ आके बेच रहे हैं तो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप भी उनके साथ अगर बेच के शॉर्ट करते, अगर आप यहाँ पे 12568 का लो था इसका लास्ट टाइम, और आज देखिए उसी प्राइस पे खुला और कितना नीचे आ रहा है, 12400, यानी 150 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है, 150 पॉइंट से नीचे ज्यादा आ चुका है। तो जब एनगल्फिंग का पैटर्न अगर मिलता है, और एनगल्फिंग का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा स्टॉक किस लेवल पे है, ऐसा नहीं कि स्टॉक अगर बिल्कुल लो पे है वहां पे एनगल्फिंग बन रहा है तो हो सकता है कि वहां से फिर नेक्स्ट डे ऊपर चला जाए। स्टॉक एक ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, ये देखिए, आप इसको देखिए, ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस अगर आप देखेंगे, ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, ऑल टाइम निफ्टी फाइनेंस का ऑल टाइम हाई है, निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी इसका ऑल टाइम हाई पे था। तो ऑल टाइम हाई पे है तो अब चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि ये अब यहां से गिरने वाला है, निफ्टी फाइनेंस या निफ्टी बैंक जिसकी भी आप देखो, निफ्टी बैंक में भी देखिए आप ये निफ्टी एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो स्टॉक एक ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ओवरबॉट जोन पे जा चुका है, ऑल टाइम हाई पे है, वहां से मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से गिरेगा, और जब वो गिर रहा है और फ्लो के साथ गिर रहा है, फोर्स के साथ गिर रहा है, तो तभी भी आप अगर उसमें शॉर्ट करके, जैसे कि मैं शॉर्ट का आपको चार ऑप्शन बताए थे, एक ऑप्शन होता है कि आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन में आप या तो कॉल को राइट कर सकते हैं या फिर पुट को बाय कर सकते हैं, इन चारों तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, जो ट्रेडर होता है वो हमेशा कमाता है और लॉस भी उसका ज़्यादातर होता है, लेकिन अगर 5 बार लॉस होता है, अगर 10 बार प्रॉफिट हो गया तो अपना लॉस कवर कर लेता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिंपली वो इतनी कैलकुलेशन करने की उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो अच्छे स्टॉक्स देखते हैं और इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, या तो पूरा पैसा डूबता है या तो फिर अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आनी चाहिए, आपके पास अगर टाइम है, आप अगर टाइम दे सकते हैं, आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप डेली पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यूनिक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।